हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 32 में हमने सीखा प्राइस इलास्टिसिटी का नंबर वन टाइप, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 33 में हम सीखने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का दूसरा टाइप, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हम सीखने जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जहाँ पे हमने सीखा था परफेक्टली इलास्टिक में, उसका मीनिंग, कुछ फॉर्मूला, एक ग्राफ और फिर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यानी टाइप टू में भी ऐसे सीखेंगे। मीनिंग, कुछ होंगे फॉर्मूला, ग्राफ होगा और फिर उसका होगा एक्सप्लेनेशन। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। When a percentage change in the price has no effect, बहुत important topic, important बात, has no effect on the quantity demanded। जब price तो change हो रहा है लेकिन product की demand change नहीं हो रही है of a commodity, it's called perfectly inelastic demand। बहुत ही ध्यान से बात याद रखने वाली है कि कुछ product ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस तो चेंज होता है लेकिन उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके की इलास्टिसिटी को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जहां पे ईडी का आंसर कितना आता है, ईडी कम्स टू जीरो। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉल इन प्राइस, 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डिमांड। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा हो कि अगर जिसके प्राइस में 20% की गिरावट हो जाए, प्राइस 20% से कम हो जाए, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट की डिमांड में किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इस तरीके की इलास्टिसिटी को हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा, अभी देखते हैं। तो जहां पे अभी आपने सीखा कि भाई ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको पता है, ये है परसेंटेज, आप ये भी जानते हैं ये है चेंज, और आप थर्ड कंपोनेंट भी जानते हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे एग्जांपल के थ्रू आपको क्या पता है कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 20% का, और डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, जीरो। तो आपने इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दी, आपको पता है क्वांटिटी डिमांडेड जीरो आपने रखी और अब जो प्राइस में चेंज है वो 20% है, तो जीरो अपॉन 20 आपने क्या विल गेट जीरो, जीरो अपॉन 20 विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, तो ईडी कम्स टू जीरो, यही हमें प्रूफ करना था, ईडी इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपने देखा कि भाई इन इलास्टिक का आंसर क्या आता है, परफेक्टली इलास्टिक का आंसर आता है जीरो। क्लियर? इससे पहले हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा था, उसका आंसर क्या आ रहा था, वहां पे आ रहा था ईडी इज इक्वल टू इनफिनाइट। यहाँ पे आंसर क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक का, ईडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली अकर। यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क, यानी कुछ जगहों पे इस तरीके की डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगी, रेयरली अकर, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको देखने मिलेगी, लेकिन कभी कभार आपको देखने के लिए ऐसे इवेंट, ऐसे इंसिडेंट जरूर मिलेंगे। जैसे अगर सॉल्ट है या मिल्क है, तो सॉल्ट अगर नमक 20% सस्ता भी हो जाता है तो हम उसकी डिमांड में कोई ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अगर 20% 2 रुपये प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो क्या करेंगे, हम नमक ज्यादा खरीदने लगेंगे, नहीं, हम उतना ही खरीदेंगे। इसी तरीके से नमक का प्राइस बढ़ भी जाता है 2 रुपया तो भी हम उसको इतना ही खरीदेंगे, उसकी प्राइस में, उसके डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइस के गिरने से या प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर जब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी सिचुएशन को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसका आंसर आता है जीरो। इसका एग्जाम्पल देख लिया, सबको समझ में आया एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड मिल्क इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ग्राफ देख लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड का ग्राफ है जहाँ पे ईडी विल कम जीरो, कैसे आएगा वही प्रूफ करना है। आपको पता है हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक होता है एक एक्सेस, दूसरा होता है वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस पे क्या लिया जाता है, हमें आपको पता है कि डिमांड लिया जाता है, वाई एक्सेस पे क्या लिया जाता है, आपको ये भी पता है कि प्राइस लिया जाता है। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को पैरामीटर सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, देखिए समझिए, हमारे पास प्रोडक्ट का प्राइस है पी एग्जाम्पल, और हमारे प्रोडक्ट की क्वान्टिटी है क्यू। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते कि पी जो है ये प्राइस है ₹10, ठीक है, और क्वांटिटी हम ₹10 पे 5 किलो खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल है कि भाई किसी प्रोडक्ट का प्राइस
₹10 है और हम उसको कितना खरीद रहे हैं 5 kg। अब आप ग्राफ में समझिए कि अगर उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस ₹10 से ₹12 हो जाता है तभी भी उसकी डिमांड आप देख पा रहे हैं 5 kg ही है। ये वाला पॉइंट, डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर इन केस उस प्रोडक्ट का प्राइस कम भी हो जाता है, लेट्स से ₹10 से ₹8 हो गया, P2 प्राइस डिक्रीज हो गया, तभी भी आप देख पा रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही बिक रहा है, 5 kg ही बिक रहा है। यानी ₹10 पे भी वो 5 kg ही सेल हो रहा था, क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, ₹12 पे भी 5 kg ही सोल्ड हो रहा था, और ₹8 पे भी हम 5 kg ही बेच रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तब ऐसे केस में आपने देखा कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए हमने समझ लिया था, एग्जाम्पल दिया था मैं 20% के, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है 0 का, और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 20% का। नाउ 0/20 विल कम 0, तो ईडी का आंसर आ गया ईडी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल कम 0। यही हमें प्रूफ करना था। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल, जो हमने सीखा बस वही एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखना है। कैसे? इन फिगर 3.12, व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, जब प्राइस आपने देखा ओपी से OP1 हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ? और व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू OP2, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया ओपी से ओपी तक चला गया, ठीक है, या फिर नीचे चला गया, डिक्रीज हो गया, कोई भी केस में रिमेन अनचेंज, डिमांड रिमेन अनचेंज एट OQ, डिमांड तो उतना ही था यानी 5 kg, इससे ज्यादा न प्राइस के बढ़ने पे कोई फर्क पड़ा न प्राइस के घटने पे डिमांड पे कोई फर्क पड़ा। देयरफॉर द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, आपको याद रखना है ये लाइन का मतलब आपको बताया था, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। अगर ये वर्टिकल गई है इस तरीके से होती तो हॉरिजॉन्टल होती, जो प्रीवियस में परफेक्टली इलास्टिक में आपने देखा था, इस तरीके की लाइन को कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। अब वर्टिकल गई है और पैरेलल भी है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, वहां पे भी पैरेलल था, प्रीवियस टाइप में भी हमने देखा था वहां पे पैरेलल था लेकिन वो था एक्स एक्सिस को पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल है लेकिन किसको है वाई एक्सिस को पैरेलल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं डिमांड कर्व हमारा, ये है डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व जो पैरेलल है आपको याद रखना है वाई एक्सिस को, किसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड कर्व पैरेलल होता है वाई एक्सिस को। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि आपको परफेक्टली इन इलास्टिक का जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होता है y एक्सिस को, ट्रू और फॉल्स, आपको कहना है ये फॉल्स है क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक में जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल होता है y एक्सिस को, वो होता है वर्टिकल एंड पैरेलल टू y एक्सिस नॉट द x एक्सिस, इंडिकेटिंग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और ये क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है कि भाई हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, इसी को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेर ईडी इज इक्वल टू 0, डिमांड में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में इंक्रीज हो जाए, प्राइस में डिक्रीज हो जाए, डिमांड में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता, इस तरीके की डिमांड को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये था टाइप 2 प्राइस इलास्टिसिटी में। सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी का आंसर आता था इनफिनाइट। आज हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जहां पे ईडी का आंसर आता है 0। नेक्स्ट लेक्चर में हमें टाइप 3 सीखेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी का आंसर होगा ईडी इज इक्वल टू 1। कैसे होगा वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप मैंने आपको टाइप 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप चैट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।